नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज। मैं सुमित। अभी तक उत्साह था कि एग्जिट पोल क्या आ रहे हैं, अब उत्साह है एग्जिट पोल आने के बाद जो परिणाम आए हैं उसमें कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। मोदी सरकार 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार 2.0 में कौन कौन मंत्री होंगे शामिल और कौन कौन मंत्री होंगे कैबिनेट से बाहर। हमने एक विश्लेषण करके रिपोर्ट निकाली जिसमें हमने पाया कि कई सारे पुराने मंत्री हो सकते हैं बाहर और कई सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे मोदी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित शाह की, जो कि राज्यसभा से लोकसभा में आने वाले हैं। उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तो तय है और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अमित शाह का कद देखते हुए पार्टी में चर्चा हो रही है कि उनको होम मिनिस्टर का पद दिया जा सकता है। अगर होम मिनिस्टर का पद अमित शाह को दे दिया जाएगा तो राजनाथ फिर क्या करेंगे? ये भी चर्चा है कि राजनाथ को स्पीकर भी बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के लिए एक और पद की चर्चा है, वो है फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी तक अरुण जेटली देख रहे थे, मगर उनकी तबीयत की स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं चर्चा में आ रहा है कि इस पद के दावेदार अमित शाह हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह के बाद जो दूसरा नाम आ रहा है मंत्रिमंडल में, वित्त मंत्रिमंडल में, वो नाम है आपका पीयूष गोयल का, क्योंकि पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं, इसलिए मुख्य बजट पेश करना उनके लिए कोई कठिन बात नहीं। फिर हम बात करते हैं सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज जी अभी तक आपका विदेश मंत्रालय देख रही थी, लेकिन उनके बाद अगर कोई देखेगा तो वो वीके सिंह हो सकते हैं, क्योंकि वीके सिंह को अनुभव है, 5 साल सुषमा जी के साथ उन्होंने काम करा है, इसलिए वो आपका विदेश मंत्रालय संभालने में कहीं ना कहीं सक्षम दिखाई पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं बिहार से चुन के आए आपका राधामोहन और रविशंकर जी। राधामोहन आपका, इनके पास कृषि मंत्रालय था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कृषि को देखते हुए जो कृषि के हालात रहे उसमें मोदी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इस बार राधामोहन को वो जगह ना मिल पाए कैबिनेट में। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी की एक बड़ी जीत है वो है अमेठी में राहुल गांधी को हराना, जो कि स्मृति ईरानी ने कर दिखाया। स्मृति ईरानी के पास पिछले कैबिनेट में आपका HRD थी, वो HRD मिनिस्टर थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहीं पे फिर उनका ट्रांसफर करके कपड़ा मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनकी इस बड़ी जीत के बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पे जब हम बात करते हैं आपका खेल जगत से गौतम गंभीर आए हुए हैं, गौतम गंभीर को भी उम्मीद है कि कैबिनेट में खेल से संबंधित कोई पद दिया जा सकता है। दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी, जो कि कैबिनेट में क्या फेरबदल हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं उसको लेकर। बने रहिए हमारे साथ।